तो न्यू ईयर के लिए हम केक बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने 3.5 कप मैदा लिया हुआ है इस कप के मेजरमेंट से। इसी कप के मेजरमेंट से मैंने यहाँ पर 2 कप चीनी पीस के ली हुई है और ये 1/2 कटोरी रिफाइंड मैंने लिया हुआ है। आप चाहें तो बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। बेकिंग पाउडर मैंने ले रखा है, बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले हमें इसमें अपने मैदा को डालना है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे रिफाइंड, अब इसमें हम डालेंगे 3 कप दूध, उसी सेम कप का मेजरमेंट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें बबल्स ना रहें। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच कॉफ़ी और इसको हम लगभग 15 मिनट तक अच्छे से फेटेंगे। अब इसको हमने फेट लिया है, अब इसको हम 10 से 15 बार कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये हमने अपना बर्तन ले रखा था, इसमें हमने रिफाइंड लगा के चारों तरफ से पेपर से कोट कर दिया। अब इसमें हम अपना बैटर ट्रांसफर करेंगे। ये ट्रांसफर कर लिया, अब इसको हम इस तरीके से कर देंगे। ये कुकर को मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट के लिए रख दिया था। अब इसमें हम अपने बैटर के बर्तन को ट्रांसफर करेंगे और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। इसकी सीटी मैंने निकाल दी थी। अब 45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमें इसे बेक करना है। केक हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। केक को सीधा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना केक स्पंजी बना हुआ है हमारा। इस तरह से हम इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब सबसे पहले हमें अपनी क्रीम तैयार करनी है, उसके लिए हमने ये नॉर्मल क्रीम ली हुई है दूध से निकाल के। अब इसमें हम ये पिसी हुई चीनी डालेंगे। इसको हम अच्छे से फेट लेंगे। 5 मिनट तक हमें इसे फेटना है। पांच मिनट हो गए, हमने अपनी क्रीम को पूरा अच्छी तरह से फेट लिया है। अब इससे हम अपना केक डेकोरेट करेंगे। क्रीम को हमने पूरे केक के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चॉकलेट्स। चॉकलेट्स हमने लगा दी हैं, अब इसके ऊपर से हम डालेंगे कैंडीज। केक हमारा बन चुका है। आप भी इस केक को बनाइए और आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।